हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और फॉर लूप को लेकर के जो एक कंफ्यूजन हमारे मित्र के मन में बरकरार है उसको आज दूर करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और ये फॉर लूप का प्रोग्राम हमने बनाया है, फॉर लूप इसमें यूज किया है और यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया है ए, ठीक है, और ए में इनिशियलाइज किया है 10। इस पोर्शन को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इतना पोर्शन देख रहे हैं ये, इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसे कहते हैं हम कंडीशन, ठीक है, इतना ये कंडीशन है, ठीक है। और कंडीशन भी क्या दिया है हमने, ए इज लेस देन 20, मैंने इक्वल टू नहीं दिया, लेस देन के साथ जनरली इक्वल टू भी लोग देते हैं लेकिन मैंने इक्वल टू नहीं दिया, लेस देन 20 किया, यानी कि लूप चलेगा तो 10 प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा, 13 प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, 16 प्रिंट होगा, 17 प्रिंट होगा, 18 प्रिंट होगा, 19 होगा, लेकिन 20 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 20 है। और यहां पर इंक्रीमेंट कर दिया है, यानी कि पहले 10, देखिए यहां पे 10 है ना, तो यहां पे लेस देन 20 है 10, तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और 10 प्रिंट होने के बाद ए में कितना है, 10 है, तो फिर एक इंक्रीमेंट होगा, यानी ए में एक जुड़ जाएगा, ए में 10 है तो एक जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो फिर 11 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट, इस तरह से ये प्रिंटिंग होगी, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाती है जबकि हम कुछ अलग तरह का प्रोग्राम देखते हैं, और प्रोग्राम एक ही होता है, यही वाला है, चीज यही है, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, आइए देखते हैं वो क्या है। तो यहां पर सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर यहां लिखता हूं इंट, मेन फंक्शन बनाता हूं, मेन फंक्शन, तो ये मेन फंक्शन बना लिया हमने और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया, और फिर यहाँ पे इंट, और यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ए बी आई कुछ भी, एक्चुअली आई बना लेते हैं, ठीक है, तो आई नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने। और फिर अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देख सकते हैं आई नाम का वेरिएबल हमने बना लिया है, अब हम सीधा सीधा यहाँ लूप लगा लेते हैं, ठीक है, तो फॉर लूप लगाता हूँ और आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। आई में क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 इनिशियलाइज किया हमने, यानी पहले सबसे पहले क्या है आई में 1 रखा हुआ है और अब इसे टर्मिनेट कर दे रहा हूं, टर्मिनेट करना यानी जो सेमी कोलन है वो दे देते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है। आई इज लेस देन करता हूं, सिर्फ लेस देन ही कर रहा हूं और ये 12 तक चला रहा हूं इसे, यानी 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, ठीक है, 11 तक प्रिंट होगा ये, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा आते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं और इस बार मैं क्या करता हूं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूं और यहां पर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। भगवान, ये तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो घबराइए मत, ये सेम चीज है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि आई में 1 इनिशियलाइज किया गया है और 11 तक इसे चलाया जाएगा, चलेगा 12 तक लेकिन 11 तक प्रिंट हो जाएगा और आई में रखा हुआ है 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा पहली बार लूप चलेगा तो, ठीक है, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इस तरह से करके ये लूप चल रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने प्रिंट एफ और अब यहां पे दे देता हूं आई, वैल्यू ऑफ आई कर देता हूं, वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटी, तो ये कर दिया हमने, परसेंटी इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है, और आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और यहां पे टर्मिनेट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया, 2 इसलिए क्लोज कर रहे हैं क्योंकि एक तो लूप की बॉडी भी तो कर्ली ब्रैकेट से बनाए हैं हम, तो इसीलिए 2 बार क्लोज कर दिया उसको, और इसको यहां से अब सेव करने की बारी है, तो ये जो है यहां से सेव कर देते हैं, ये हमने कर दिया jj.c कुछ भी दे देते हैं ऐसे, और ये अब सेव हो गया। अब इसको सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं, तो ये कंपाइल करवाया हमने, तो अगर कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब यहां से बिल्ड पे जाके फिर इसको रन करवा देते हैं, तो रन करवाया तो ये देख सकते हैं वैल्यू ऑफ आई इज 1, वैल्यू ऑफ आई इज 2, इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है और हम ऐसे प्रिंटिंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लाइन वाइज प्रिंट होकर आए, इस तरह से ठीक नहीं है, तो यहां पर खाली क्या करना है, बैकस्लैश एन लगा देना है, तो ये बैकस्लैश एन लगा दिया और अब इसको एक बार और सेव कर देते हैं और अब देखिए बढ़िया से ये इसको रन करवा देते हैं, तो ये देख सकते हैं वैल्यू ऑफ आई इज 1, वैल्यू ऑफ आई इज 2, इस तरह से करके 11 तक ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों प्रोग्राम, उम्मीद करता हूं दोनों ही टाइप के लूप आपको समझ, लूप तो एक ही है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और मिश्रा जी आपका भी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।